बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ उबैद रहमान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी मुंडा हज़ारा। आज मैं आलू में स्प्रे कर रहा हूँ, तो आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे स्प्रे की जाती है आलू में। देख सकते हैं मैंने इससे पहले भी वीडियो अपलोड की थी आलू में स्प्रे की। चलो आप, मैं आज खुद कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को भी दबाएँ ताकि हमारे आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह इस पर रखी जाती है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये आलू की फसल पे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ये स्प्रे हो रही है भाई जान। ये स्प्रे बीमारी जो जलसाव वाली बीमारी होती है उसकी है, और ये जो है ताकत के लिए हम स्प्रे करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँ कि आलू पे स्प्रे बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह यह बनती है कि ये जो हम अगस्त में आलू काश करते हैं, ये मैं हज़ारे की बात कर रहा हूँ, बाकी तो नीचे पंजाब वाला एरिया जो होते हैं वो गर्म होते हैं, ये हज़ारे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगस्त में हम इधर आलू काश करते हैं, अगस्त की तकरीबन 15 से लेकर नवंबर तक, सितंबर तक। तो इधर होती है हमारे हज़ारे में सर्दी बहुत होती है, जिसकी वजह से हम इधर जो है बीमारियों का स्प्रे करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज होती हैं। तो स्प्रे इसलिए होता है कि ये बीमारी वगैरह सर्दी की वजह से जो आती है इस पे आलू पे, तो उसे गर्म भी रखती है और गर्माश मुहैया करती है। दूसरी बात यह है कि हम जो ये दूसरी ताकत वाली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है, इसका यह मकसद होता है कि आलूओं को गर्माश पहुँचाना, दूसरा इसके ये पैदावार में इजाफ़ा करना और आलू के तने तक जो है ये खुराक को मियाँ करना। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये हमारी फसल है, ये आपका नज़र है, ये एक प्लाट है, अभी दूसरे भी दिखा सकते हैं। यहाँ में इधर मौजूद थे, हमने स्प्रे किया है इसमें, सवाल ये बनता है कि क्या आलूओं पे स्प्रे करना ज़रूरी है। जवाब मैं बताता हूँ कि हाँ ज़रूरी है। क्यों, वजह क्या है? आलूओं पे भाईजान हम इसलिए स्प्रे करते हैं कि ये इनको एक तो बीमारी वाली स्प्रे है, वो इसलिए करते हैं कि ये बीमारी से महफूज रह सकें। कौन सी बीमारी? ये मतलब जलसाव वाली बीमारी, ये दूसरी तीसरी बीमारियाँ जो इन पे आलू पे सर्दी की वजह से आती हैं, उनसे महफूज रह सकते हैं।